इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्विजय चौटाला ने सोमवार को चंडीगढ़ स्थित राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की। दिग्विजय चौटाला ने राज्यपाल कप्तान सिंह सोलंकी को अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से दिग्विजय चौटाला ने राज्यपाल से हरियाणा में छात्र चुनाव सितम्बर महीने तक शुरू करवाए जाने की मांग रखी। वहीं दिग्विजय चौटाला ने MDU यूनिवर्सिटी में नौकरियों में धांधली के आरोप लगाए। इसके साथ ही दिग्विजय चौटाला ने कहा कि रोहतक के विधायक मनीष ग्रोवर को भेजे गए एक बेनामी लेटर के बाद यूनिवर्सिटी में जाट समुदाय के अधिकारियों को निशाना बनाते हुए उन्हें उनके पदों से हटाया जा रहा है। दिग्विजय चौटाला ने कहा कि जाट समुदाय के अधिकारियों को अगर इसी तरह से एक बेनामी लेटर के माध्यम से हटाया जाता है तो आने वाले समय में इनेलो पार्टी व इनसो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।